हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम कैप्शन का उपयोग देखते हैं कि कैप्शन का क्या उपयोग है हमारे लिए, उसी की बात करेंगे। तो चलिए ये देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने एक टेबल बनाया है और इसे डेटा शीट व्यू में अभी मैंने फिलहाल रखा हुआ है, दिया हुआ है आपको, मैं पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए, एक फील्ड हमने लिया है जिसे प्राइमरी के बनाया, कस्टमर आईडी, और इसका डेटा टाइप रखा है ऑटो नंबर। कस्टमर नेम है टेक्स्ट डेटा टाइप, और सिटी है टेक्स्ट डेटा टाइप, और इसी तरह स्टेट भी टेक्स्ट डेटा टाइप है। यहाँ पर फील्ड की प्रॉपर्टीज में आ जाइए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ये कैप्शन। इस कैप्शन का क्या यूज होता है, इसी की बात करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कस्टमर नेम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ पार्टी नेम, ये देखिए कैप्शन में जाकर के हमें करना है ये, यहाँ पे ये कैप्शन में आप आ जाएं पहले, और यहाँ पे लिखता हूं मैं पार्टी नेम, ठीक है। यहाँ पार्टी नेम लिखा हमने, और अब क्या करता हूं मैं, अब देखिए ध्यान रखिएगा कि जहां लिखिएगा वही चीज सेलेक्ट होनी चाहिए। अब यहां पर ये सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर पार्टी नेम आ जाएगा, तो आपको ये ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हम कस्टमर नेम को ही चेंज करना चाहते हैं, तो यहां पर कैप्शन में आ जाए कस्टमर नेम को सेलेक्ट करके, और कस्टमर नेम की जगह यहाँ पे हम लिखते हैं पार्टी नेम, पार्टी आर टी वाई, टी छूट गया, तो यहाँ पे पार्टी नेम कर दिया। अब इसको हमने ऐसे रन पे डेटा शीट व्यू पे ले लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर नेम की जगह यहाँ पार्टी नेम शो हो रहा है। अगर मैं इसी चीज को दूसरे पे अप्लाई करता हूं, जैसे मान लीजिए ये सिटी है या स्टेट है या पिन कोड है, यहां मैं लिखता हूं पिन, पी आई एन, पिन कोड, ये लिखा हमने पिन कोड। अब मान लीजिए पिन कोड टेक्स्ट डेटा टाइप है, अगर हम चाहते हैं पिन कोड की जगह यहाँ जिप कोड दिखाई पड़े, लिखा पिन ही कोड हो लेकिन दिखाई पड़े जिप कोड, यहां लिखता हूं मैं जिप, ठीक है, सिर्फ जिप लिख देता हूं और यहां से ओके प्रेस करता हूं, और ये देखिए यहां पर अब पिन की जगह जिप कोड दिखाई पड़ रहा है, जिप दिखाई पड़ रहा है, तो ये हमने लिख दिया। ऐसे करके हम कैप्शन का यूज कर सकते हैं, और इसका क्या फायदा है इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इसका क्या फायदा है, फिलहाल के लिए इतना जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।